हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। मकर संक्रांति, इसे अलग अलग प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में जहां इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, तो वहीं असम में इस दिन बिहू और दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल पर्व मनाया जाता है। इतना ही नहीं, गुजरात में इस दिन विशेष तौर पर पतंगबाजी का प्रोग्राम किया जाता है। ये त्योहार क्यों खास होता है और कब मनाया जाता है, आज हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारी मकर संक्रांति पर खास पेशकश। लेकिन सभी बातों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की स्थिति में मामूली हेरफेर की वजह से ये कभी 14 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। बता दें, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। दरअसल एक जगह से दूसरी जगह जाने या एक दूसरे का मिलन ही संक्रांति होती है। सूर्योदय जब धनु राशि से मकर पर पहुंचते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य के राशि परिवर्तन को ही संक्रांति कहते हैं। यह परिवर्तन एक बार आता है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है कि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। ये बात तकनीकी तौर पर सही है, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 14 से 15 जनवरी के बाद से सूर्यास्त का समय धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है। फिर आती है 21 मार्च की तारीख, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध के तकरीबन बीचों बीच है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उपटन आदि लगाकर तीर्थ के मिश्रित जल से स्नान करते हैं। यदि तीर्थ का जल नहीं है तो दूध दही से स्नान किया जाता है। वहीं तीर्थ स्थान या पवित्र नदियों में स्नान करने का भी काफी महत्व है। स्नान के बाद नित्य कर्म और अपने आराध्य देव की आराधना की जाती है। इस दिन पतंगे उड़ाए जाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन जगह जगह पर मेले लगाए जाते हैं। साथ ही लोग गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों और पूज्य व्यक्तियों को दान करते हैं, जो कि काफी शुभ माना जाता है। तो ये कि हमने बात की मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति क्यों है, इसे कहां पर अलग अलग तरह से बोला जाता है और इसे किस तरह से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर खबर 100 परिवार की ओर से आप सभी को एक बार फिर मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।